हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मकई या भुट्टे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी एकदम नया नाश्ता बनाएंगे, जिसे आपने आज से पहले नहीं बनाया होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पे बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। और चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भुट्टे का नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने 5 भुट्टा लिया है, ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। और अब हम कुकर लेंगे, कुकर में भुट्टा डालेंगे और आधा गिलास पानी डालेंगे। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से भुट्टे हमारे जल्दी सॉफ्ट होंगे और जल्दी पकेंगे। और चलिए अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके कुकर को हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने देंगे। और ये देखिए, भुट्टा हमारे अच्छे तरह से बॉईल हो गए हैं और ये पक भी गया है। और अब हम इसके एक एक दाने को भुट्टे में से निकाल लेंगे। आप भुट्टे के दाने को हाथ की जगह चाकू या चम्मच से भी निकाल सकते हैं, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने मकई के दाने को निकाल लिया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। ग्राइंडिंग जार में 1 कप मकई के दाने डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे। मकई के दाने में 7 से 8 काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, काली मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो काली मिर्च का यूज़ आप इस रेसिपी में ज़रूर करें। और अब हम इसे डाल करके, सारे इंग्रेडिएंट डाल करके, अब हम जार का ढक्कन लगा करके इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और अब हम ग्राइंड किए हुए मकई के दाने को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ 2 चम्मच अदरक डालेंगे और इसमें बारीक या महीन कटा हुआ 1 गाजर डालेंगे, बारीक कटा हुआ हम धनिया की पत्ती डालेंगे और इसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। नाश्ते में हमारा अच्छा सा कलर आए, इसके लिए हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर आपको पसंद है तो आप इसमें डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 से 3 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन की जगह आप ब्रेड या आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो आप इसकी जगह पिसा हुआ साबुदाना या मूंग की दाल का यूज़ करें। और अब हम इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अगर आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डाल करके हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके साफ हाथ से अच्छी तरह गूंद लेंगे या एक जगह मिला लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने पानी डाल करके सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लिया है। और अब हम एक प्लेट लेंगे और मकई के मिक्सचर का हम छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। बॉल बनाकर इसे दूसरे हाथ पे दबाते हुए इसे स्क्वायर का शेप देंगे। आप इसे अपने मनपसंद का भी शेप दे सकते हैं। यहाँ मैंने नाश्ते को चौकोर आकार दिया है। मैंने इसे भुट्टे का बनाया है, इसलिए मैंने इसे चौकोर आकार दिया है। और ये देखिए, हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे नाश्ते को बना करके प्लेट में तैयार करके रख लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे नाश्ते को बना के प्लेट में तैयार कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में तेल डाल करके हम इसे गर्म होने देंगे। और अब हम एक एक करके नाश्ते को तेल में डालेंगे। तेल में डाल करके गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम नाश्ते को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे नाश्ता हमारा ज़्यादा तेल नहीं सोखेगा और ये कम तेल में ही जल्दी से अच्छे से
फ्राई हो जाएगा और अब हम इसे पलट देंगे। पलट कर हम इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन या सुनहरा कलर आने तक फ्राई करेंगे, जिससे नाश्ता हमारा बिल्कुल ही क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बनेगा। और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तो नाश्ता हमारा अंदर तक भी बहुत अच्छे से पकेगा। और ये देखिए, नाश्ता हमारा मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पक रहा है। और अब हम इसे पलट करके फिर से एक बार दूसरी तरफ से पका लेंगे या फ्राई कर लेंगे, जिससे नाश्ता हमारा दोनों तरफ से पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक हम इसे पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। यह नाश्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ आप इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे तो आपका नाश्ता बिल्कुल ही परफेक्ट और अच्छा बनेगा। इस तरह का नाश्ता आप अगर घर पे बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा, और मेहमान को भी अगर आप इसे खिलाएंगे तो वो भी आपकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और ये देखिए, नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और अब हम इसे एक एक करके इस तरह छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे नाश्ते में से एक्स्ट्रा ऑयल ईजिली छन जाएगा। और ये देखिए, नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। हम इसे इस तरीके से छान लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इस तरीके से नाश्ता इवनिंग या मॉर्निंग कभी भी बना सकते हैं। और यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और क्रिस्पी होता है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलती हूँ अगले नए रेसिपी में। तब तक आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।